आज हम बात करेंगे रोहान यानी कि दीपिका कक्कर के बेबी रोहान के बारे में। जी हाँ गाइस, रोहान को खूब ट्रॉल किया जा रहा है और सबका यही कहना है कि ये बिल्कुल बंदर जैसी शक्ल का लगता है। कुछ बोलते हैं ये बिल्कुल कटप्पा लगता है। जी हाँ गाइस, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल ही गोरिल्ला जैसी है। जी हाँ गाइस, आपको बताते चलें कि दीपिका कक्कर ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन दीपिका कक्कर का कहना है कि अगर आप किसी की औलाद को ऐसे बोल रहे हैं तो आगे चलकर आपके साथ भी यही होगा। जी हाँ गाइस, अगर बात करें कमेंट्स की तो खूब कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बिल्कुल गोरिल्ला लगता है, कुछ का कहना है कि कटप्पा लगता है, और कुछ कह रहे हैं कि अपने अम्मा अब्बा में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या आपका ज़मीर और ईमान इतना मर गया है कि आप किसी की औलाद के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। जो दीपिका के हेटर्स हैं वो खूब रोहान को ट्रोल कर रहे हैं, और जो फैंस हैं वो भी खूब प्यार दे रहे हैं। जी हाँ गाइस, फैंस के प्यार के आगे हेटर्स के कुछ भी नहीं हैं। फैंस बहुत ही ज़्यादा इफ रोहान की फेस और रोहान को फेस रिवील पर बहुत खुश हुए, और उनके जो हेटर्स हैं वो खूब उसको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हेटर्स को भी दीपिका ने खूब जवाब दे दिया। आपको बताते चलें कि शुएब इब्राहिम भी अपने बेटे की इस ट्रॉल पे खूब स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनका यही कहना है कि अगर आइंदा से मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करी तो मैं अच्छा जवाब दूंगा। आपको इन सब के बारे में क्या कहना चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।